पढ़ना है। ओके बच्चों, ग्रुप 15 बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली या निकोजेंस कहलाते हैं। पॉइजनस नेचर ऑफ गैसेस की वजह से दे आर टर्म्ड एज निकोजेंस। ओके, तो पहला वर्ड ये था कि हमारे मेंबर हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और इसमें हमने बेसिकली पहला पॉइंट पढ़ा था कि व्हाट आर देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद आ गया होगा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या है बेटा, NH2 NP3 है। बस स्पेशली ध्यान रखना है नाइट्रोजन में डी सबशेल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फिर फॉस्फोरस में डी है और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है, यानी आउटर से पहले डी के अलावा एस भी है या इनर्ट गैस नहीं है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली उनमें पुअर स्क्रीनिंग है आखिरी के तीन मेंबर्स में। ठीक है, एटॉमिक साइज की बात की थी, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, तो वो हम कहेंगे साइज टॉप से बॉटम बड़ा है, नाइट्रोजन का कम है, बिस्मथ का साइज सबसे ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी हमने, आयनाइजेशन एनर्जी इस ग्रुप की बेसिकली थोड़ी सी ज्यादा है। रीजन क्या है, हाफ फिल्ड, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी टॉप टू बॉटम तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, बट मोर देन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मोर देन एक्सपेक्टेड है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो बच्चों, क्लियर है? इसके बाद हमने एक बात किया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीछे जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है, बाकी नीचे के तीन मेंबर में लगभग बराबर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस देन एक्सपेक्टेड है, फिर वही रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो लेस नेगेटिव मतलब कम हीट छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड होना है, लेकिन लेस नेगेटिव है देन एक्सपेक्टेड। इसके अलावा एक पॉइंट शायद डिस्कस किया हो कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस की बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो थ्योरेटिकली तो साइज से जो बच्चा सोचेगा वो तो हमसे ये कहेगा भाई फास्फोरस का साइज बड़ा है तो फास्फोरस की बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस की बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से ज्यादा है। रीजन, नाइट्रोजन में लोन पेयर होते हैं, डी सबशेल होती नहीं है और ये कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से हम मानते हैं बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है बेटा फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस। ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं कि विच हैज मोर कैटिनेशन प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो आंसर है फॉस्फोरस, या वाई फॉस्फोरस हैज मोर कैटिनेशन प्रॉपर्टी देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस में P4 तक एग्जिस्ट करता है जबकि नाइट्रोजन तो N या N2 में रहता है, तो वाई फॉस्फोरस हैज मोर कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो उसका आंसर है फॉस्फोरस हैज हाई पी सिंगल बॉन्ड पी एनर्जी, इस एनर्जी पे ही कैटिनेशन डिपेंड करती है, इसलिए फॉस्फोरस हैज मोर कैटिनेशन प्रॉपर्टी देन नाइट्रोजन। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा होगा दैट इज वैलेंसी, और वैलेंसी के लिए हमने एक जनरल पॉइंट कहा होगा आपसे कि माइनस या वैलेंसी, अगर हम पहले एक जनरल वैलेंसी की अगर बात करते हैं तो इस ग्रुप में वैलेंसी +3 और +5 या -3 +3 +5 हो सकती है। एक सेकेंड बेटा, सॉरी, वैलेंसी जब भी हमें बोलना चाहिए तो हमें साइन नहीं बोलना चाहिए, नहीं वो तो ऑक्सीडेशन नंबर में होता है साइन। वैलेंसी की अगर हम इस ग्रुप में बात करें तो एक वैलेंसी है 3 और एक 5, इन जनरल इस ग्रुप की वैलेंसी 3 एंड 5 होनी चाहिए। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना लेता है, 5 नहीं बनाता, तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में, इन तीन में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो +3 वैलेंसी की स्टेबिलिटी या 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वैलेंसी की स्टेबिलिटी बढ़ती है और 5 की कम हो जाती है, और इस चीज को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो +3 और +5 में +3 की स्टेबिलिटी नीचे जाते समय बढ़ रही है
और प्लस 5 की स्टेबिलिटी नीचे जाते समय कम हो रही है। इस चीज को कहा हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? अब पूछिए बेटा निमिष, अब पूछो बेटा, क्या जल्दी। सर इसी में आपने एक पॉइंट बताया था कि BIF5 एक कंपाउंड है जिसमें बाइस्मिथ की वैलेंसी 5 है, तो सर उसका रीजन बता दीजिए। बिस्मथ या कहीं पे भी अगर हम कह रहे हैं ना फ्लोरीन आ रहा है, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो BIF5 हो सकता है, यानी बिस्मथ में भी 5 वैलेंसी हो सकती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 5 वैलेंसी? यहां ये वाले इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर हो सकते हैं, तो कौन इन्हें अनपेयर करा सकता है? तो आंसर है फ्लोरीन। क्यों करा सकता है? क्योंकि फ्लोरीन हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, देयरफॉर इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसीलिए ये इसे प्रमोट कर देगा प्लस 5 तक। तो इसका जो टेक्निकल आंसर है वो बेस्ट आंसर यही है, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और किसी को डाउट? क्लियर। चलिए आज की प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो बेटा हम अब आज कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से शुरू करते हैं। ठीक है, हेडिंग लिखे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां तक आप पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ रहे हैं पहली हेडिंग इस ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक बेटा, ग्रुप 15 में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 और +5 है। नाइट्रोजन कई सारी और भी शो करता है। ठीक है, पहले हमें इन तीन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करनी है, -3 +3 एंड +5। ठीक है बच्चों, -3 में माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करना, और ऑब्वियसली 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कम हो जाएगी, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा, नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, -3 में आ सकता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये वाली एबिलिटी कम होती जाएगी, इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी नाइट्रोजन -3 में एग्जिस्ट करेगा लेकिन बिस्मथ का -3 नहीं मिलेगा, या ये कहना चाहते हैं नीचे जाते जाते मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी है जो नॉन मेटल की है, तो स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन इसमें ऐसे ही बनता है कि नाइट्रोजन या ग्रुप 15 में नीचे जाते समय -3 की स्टेबिलिटी के बारे में बताइए, तो -3 की स्टेबिलिटी कम हो रही है। डन, अगेन ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए डायरेक्ट बताइए बेटा, +3 की स्टेबिलिटी, वेरी गुड, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, +3 वैलेंसी कह लीजिए या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। डन, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और +5 की स्टेबिलिटी कम हो गई, और इन दोनों के पीछे रीजन हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन कॉमन है, मतलब नाइट्रोजन भी 5 वैलेंसी शो नहीं करता और जनरली बिस्मथ भी 5 वैलेंसी शो नहीं करता, वाई? दोनों का रीजन अलग अलग है। नाइट्रोजन 5 इसलिए नहीं शो करता क्योंकि उसमें डी सबशेल नहीं है, इसलिए नहीं करता। बिस्मथ 5 इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है या पुअर स्क्रीनिंग हो रही है उसकी वजह से। तो यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट है और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डी सबशेल है। क्वेश्चन सेम है लेकिन रीजन अलग अलग है, why nitrogen do not show 5 oxidation state, sorry 5 valency, and why bismuth do not show 5 valency। ठीक है बेटा, अब बच्चों इसका एक दूसरा पॉइंट है, वो ये कह देते हैं कि जैसे ये मैं HNO3 आपको बनाया है, दिस वन इज HNO3, और वो खाली वर्ड लिख दें सब भी एक ही बात है कि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आते हैं वो जानते हैं ना, इसका 1 रखते हैं, इसका x -x, तो यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन ये बना कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो 5 होता है, वैलेंसी 5 नहीं होती, क्यों? पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट, कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो 5 तक जाता है
लेकिन वैलेंसी फाइव नहीं होती, क्यों? इसका आंसर ये बना हुआ है, ध्यान से देखिए, यहां नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बनाए, चार या पांच, तो वैलेंसी तो चार ही है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फाइव इसलिए है कि एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऑक्सीजन को शेयर किए जा रहे हैं। यहां ऑक्सीजन के छह इलेक्ट्रॉन यही है, समझ में आया? तो नाइट्रोजन से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन छीन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से छीन रहा है, दो ये वाले और दो ये वाले, तो नाइट्रोजन से बॉन्ड तो चार ही है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइव है, क्योंकि वन ऑफ द बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो चार्जेस दिए जाते हैं वो प्लस माइनस टू दिए जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये छीन रहा है, इज इट क्लियर? तो अगर कोई कहेगा HNO3 हैज ऑक्सीडेशन स्टेट फाइव, तो आप कहेंगे ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वहां ऑक्सीडेशन स्टेट फाइव का आंसर क्या है, तो आप कहेंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जनरली जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी वजह से प्लस वन माइनस वन चार्जेस आते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से प्लस टू आ जाता है। डन। इसलिए अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन की जो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, ये सब के सब अनस्टेबल है, और एनसीईआरटी में जो सबसे पहली इक्वेशन पी ब्लॉक में दे रखी है वो यही है, दैट इज अगर हमारे पास नाइट्रस एसिड है, दैट इज HNO2, तो ये HNO2 सॉल्यूशन में, मतलब जहां आपने कैप्ट किया रखा है, अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन में है तो ये थोड़े टाइम में अपने आप चेंज हो जाएगा HNO3 प्लस NO इसमें, यानी ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव में प्लस टू में चली गई एंड वाटर बन जाएगा, जो भी बैलेंसिंग होगी, बैलेंस ही लिख देता हूं मैं, थ्री एच एन ओ टू गिव्स यू टू एन ओ, थ्री एच एन ओ टू टू एन ओ, होपफुली ये बैलेंस इक्वेशन है। तो ये वाली इक्वेशन याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की प्लस फाइव तो स्टेबल है, लेकिन अगर ऑक्सी एसिड्स हैं और इसमें प्लस थ्री या और कोई ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो अनस्टेबल है, वो डिसप्रोपोर्शियोनेट होके स्टेबल होती है। व्हाट इज डिसप्रोपोर्शियोनेशन? डिसप्रोपोर्शियोनेशन मतलब अपना ही ऑक्सीडेशन होना, अपना ही रिडक्शन, यानी एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसी एलिमेंट का रिडक्शन। ये नाइट्रोजन प्लस थ्री से प्लस फाइव गया, ये नाइट्रोजन प्लस थ्री से प्लस टू गया, यानी यहां नाइट्रोजन प्लस थ्री था, बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शन केमिस्ट्री में क्या कहलाएंगे बच्चों? डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। एक छोटी सी हेडिंग है कि नाइट्रोजन शोज एनोमलस बिहेवियर या प्रॉपर्टी, वाई? तो स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ डी सबशेल, ability to form pi bond, क्योंकि pi bond, high electronegativity, high ionization energy, clear है? क्या लिखेंगे? Nitrogen shows anomalous behavior, nitrogen के anomalous behavior देखने को मिलते हैं, nitrogen shows anomalous behavior due to its very small size, बाकियों के मुकाबले इसका size बहुत छोटा है, very small size, absence of d subshell, एक d subshell भी नहीं है, very small size, absence of d subshell, high ionization energy, high electronegativity, high ionization energy, high electronegativity, high ionization, high electronegativity, ability to form pi bond, क्योंकि ये pi bond बना लेता है और बाकी नहीं बनाते हैं, ability to form pi bond, ये अपने आप से भी pi bond बना लेता है, oxygen से या कुछ electronegative element जो है उनसे बना सकता है, ability to form pi bond, ठीक है? इसलिए nitrogen के anomalous behavior, बेटा nitrogen के कौन कौन से anomalous behavior है?
भाई नाइट्रोजन एनोमलस बिहेवियर शो करता है, तो क्या क्या शो करता है? अरे हमने कहा ना इस की वजह से एनोमलस बिहेवियर है, ये बाकियों से मैच नहीं करता इस कारण की वजह से। तो अगर किसी ने पूछ लिया भाई कौन सी बातें मैच नहीं कर रहा, चलिए एक इन्होंने कहा ये मान सकते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं होती, ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं, वैलेंसी वैलेंसी 5 नहीं होती, बाकी सबकी 5 होती है क्योंकि डी नहीं है। और नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 में, N2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, बाकी एग्जिस्ट करते हैं P4 में। तो डायटोमिक क्यों बन गया, क्योंकि N और N के बीच में क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना सकता है इसलिए। और बताओ नाइट्रोजन N2 है तो N3 कहीं रेयरली बनता, उसके आगे कुछ नहीं बन पाता, यानी इसमें कैटिनेशन नहीं है, लेकिन इस ग्रुप के बाकी मेंबर में कैटिनेशन है। ठीक है और बताइए, और शायद एक एलोट्रोप वाला भी पॉइंट है, एक भाई देखना, शायद इस ग्रुप में नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब एलोट्रोप बनाते हैं, मुझे ध्यान है एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, ठीक है हाँ ये पॉइंट है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट शोज एलोट्रोपी, ठीक है बाकी सबके एलोट्रोप हैं, नाइट्रोजन के एलोट्रोप नहीं है। ठीक है नेक्स्ट, अब बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी में मेन केमिकल प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्राइड, इस ग्रुप के हाइड्राइड, और ये वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ ग्रुप 15 में, 16 में एज इट इज चलेगी, 17 में भी 6 में से 4 पॉइंट लगेंगे, 6 पॉइंट इसके याद रखने, हेडिंग इज हाइड्राइड। बच्चों इस ग्रुप के हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला है EH3, हाइड्राइड की बात हो रही है ना, तो हाइड्रोजन तो दिखानी पड़ेगी, तो इस ग्रुप के हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला है EH3। ठीक है तो पहले मैं अगर सबके नाम एक बारी बता दूं, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन नाम बता दे रहे हैं, NH3, PH3 एंड सो ऑन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये इस ग्रुप के हाइड्राइड है। ठीक है बेटा, अब इन हाइड्राइड में हमें बेसिकली 6 कैरेक्टर देखने हैं, ठीक है एक एक करके डिस्कस करते आ रहे हैं। पहला है, पहला कैरेक्टर EH बॉन्ड लेंथ, पहला कैरेक्टर हम कह रहे हैं EH बॉन्ड लेंथ, समझ में आ रहा बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EH बॉन्ड लेंथ, जैसे नाइट्रोजन और H इनकी बॉन्ड लेंथ, नीचे P और H की बॉन्ड लेंथ, बताओ भैया नीचे जाते समय बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है, इट इज अ कॉमन सेंस, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम होगी और नीचे जाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ठीक है बेटा, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ी है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बोलो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बोलो क्लियर है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। ठीक है बेटा, बच्चों बताइए नीचे जाते समय रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे, व्हाट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इसका मतलब दूसरों को रिड्यूस करना, दूसरों को रिड्यूस कैसे करेगा, अपने पास के हाइड्रोजन देखे, हाइड्रोजन कौन जल्दी देगा, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है तो नीचे वाले की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, नीचे वाला हाइड्रोजन सबसे जल्दी दे देगा, और जब हाइड्रोजन जल्दी देगा तो अच्छा रिड्यूसिंग होगा, तो आप यहां कह सकते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ रहा है। ठीक है एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर बेटा व्हाट इज बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर, जो एचाइन छोड़ेगा, एचाइन कौन जल्दी छोड़ेगा, साइज बड़ा होगा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर भी तो नीचे जाते समय बढ़ रहा है। बच्चों जरा ये ध्यान रखिएगा कि बाई चांस उन्होंने बेसिक कैरेक्टर पूछ लिया, तो ये अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है। भाई यहां से याद रख लो, एसिडिक अगर नीचे आते समय बढ़ रहा है तो बेसिक कम हो रहा है, और अमोनिया मोस्ट बेसिक है। अब गलती क्या होती है एग्जाम में जाके, एग्जाम में जाके गलती ये होगी, आपको दिमाग में आएगा बेसिक का मतलब लोन पेयर छोड़ना, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है,
लुईस बेस, लोन पेयर छोड़ना, फिर ये लगेगा इसका साइज बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ देगा, दिमाग में यही आएगा एग्जाम में जाके कि इलेक्ट्रॉन तो वो छोड़ता है जिसका साइज बड़ा होगा, लेकिन भैया आंसर है अमोनिया। ठीक है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन के पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और इसलिए अमोनिया का बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और एक रूल से प्रूफ करते हैं, ड्रैगो रूल कहलाता है, लेकिन अभी हम ड्रैगो रूल डिस्कस नहीं कर रहे। किसी बच्चे ने पढ़ रखा है ड्रैगो रूल? ड्रैगोस रूल याद है किसी बच्चे को? वेरी बैड, किसी को नहीं याद है आपने? चलिए, वैसे भी ये 12th स्टैंडर्ड में नहीं पूछा गया आज तक, तो पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है, और ये कॉम्पिटिशन में आता है। ड्रैगो रूल एक है और उसमें ये प्रूफ किया गया है ड्रैगो रूल में कि नाइट्रोजन में तो हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 लोन पेयर है, लेकिन इनके नीचे के मेंबर में हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती, इनके नीचे के मेंबर में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। व्हाट इज द मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, सेंस क्या है? यहाँ पे लोन पेयर जो है वो इन सबके साथ H या बाकी सबके साथ हाइब्रिडाइज है sp3, और अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ऑर्बिटल का साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना, मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ गई, और क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो लोन पेयर छुट्टा घूम रहा है विदाउट हाइब्रिडाइज, तो यहाँ पे लोन पेयर की डेंसिटी कम होती जाती है, तो ये डोनेट नहीं होता। फिलहाल ड्रैगो रूल को अभी आप छोड़िए, अभी आप एक सिंपल भाषा में बात ये करेंगे कि बेसिक कैरेक्टर में इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? अमोनिया। और याद रखने के लिए ये क्यों चार बज गया क्या है? अरे है तुम्हारे हिसाब से है। चलिए बच्चों, तो हमने ये बात कर ली पहले तीन कैरेक्टर की। पहले तीन कैरेक्टर बच्चों क्या क्या आ गए? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम होगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ बेटा निमेश जल्दी पूछो। सर बीच में आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, रिपीट कर दीजिए। उस समय मैंने कोई बात भी नहीं की थी, बेफिक्र रहो। ठीक है, जब आवाज डिस्कनेक्ट हुई थी ना तो एक कॉल कोई आ गया था किसी का, वो वाली थी। ठीक है, चलिए उस समय हमने कुछ बात ही नहीं की, यही तीन पॉइंट बोले थे। चौथा पॉइंट बोलो बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बढ़ता है या कम होता है? ठीक है, डिक्रीज करता है। रीजन क्यों बॉन्ड एंगल कम होगा? अरे वेरी गुड, ठीक है, ये वाला पॉइंट है बॉन्ड एंगल का कि यहाँ पे एलिमेंट ई है और ये एच लगे हैं, ठीक है, और ये रहा लोन पेयर और ये है बॉन्ड पेयर, ये है लोन पेयर, ठीक है, तो इनके बीच में एक रिपल्शन हो रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह बिस्मथ आ जाए। जरा कंसेप्ट सोचने की कोशिश करिएगा, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता है तो ये लोन पेयर वो अपने पास खींच लेगा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा, तो दोनों बॉन्ड दूर भागो, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। जैसे ही नीचे बिस्मत आया तो भैया ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ये दूर हो गए, और इलेक्ट्रॉन अगर ये दूर हो गए तो ये वाला रिपल्शन भी कम हो गया, तो भैया लोन पेयर बॉन्ड पेयर गलत आंसर है। आंसर क्या है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस। तो नीचे जाते समय बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो रहा है नीचे जाते। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमने कह दिया डाइपोल मोमेंट, जिसको आप ऑब्वियसली पोलैरिटी भी कहते हैं कि कौन ज्यादा पोलर है और कौन कम पोलर है, डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी। तो बेटा क्या आएगा? नीचे जाते समय डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी डिक्रीज करेगी। क्यों? बेसिकली पोलैरिटी क्या है, कौन ज्यादा पोलर है कम पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है,
तो यहाँ नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो ऑब्वियसली ये पोलर ज्यादा है। और बाकी फोटो तो सबका एक जैसा ही है, सबका फोटो एक जैसा कहने का मतलब सबके सबको हम कह देते हैं जस्ट लाइक पिरामिडल शेप ऐसे है, ठीक है, भले ही बॉन्ड एंगल अलग अलग है लेकिन शेप सबकी ऐसी ही है। मतलब अगर यहाँ सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ की ओर जाएंगे और बाहर की ओर लोन पे, तो सबके सब पोलर है लेकिन नाइट्रोजन मोस्ट पोलर है, बाकियों में पोलैरिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका जो इन दोनों से अलग है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते समय बढ़ता है, मतलब pH 3 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है AsH3 का, और उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है SbH3 का, उससे ज्यादा होता है BiH3 का। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बेटा क्यों बढ़ता है? वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ते हैं, मोलर मास बढ़ता है, तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ध्यान से देखो, मैंने अमोनिया नहीं लिखा, और आपको दिख भी रहा होगा कहां लिखूंगा, तो यहां पे अमोनिया है, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, इतना भी ज्यादा नहीं है कि सबसे ज्यादा हो जाए लेकिन ज्यादा है। याद रखने के लिए, दो से कम, दो से ज्यादा, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट दो से ज्यादा है और इधर के दो से कम है, याद रखने के लिए प्रैक्टिकल वैल्यूज के हिसाब से। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट भैया क्यों ज्यादा हो गया? अरे वेरी गुड, तो अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज्यादा हो गया है, इतना भी ज्यादा नहीं हुआ है कि वो सबसे ज्यादा हो जाए। भैया इतना ज्यादा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन बनाएगा वाटर और HF में फ्लोरीन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उन ग्रुप में हम कहेंगे, मतलब ग्रुप 16 में जब हाइड्राइड लिखेंगे तो सबसे आगे H2O आएगा, ग्रुप 17 में जब हाइड्राइड लिखेंगे तो सबसे ज्यादा HF आएगा। क्लियर है? फिलहाल बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ता है, बट अमोनिया हैज लिटिल बिट मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कुछ थियोरेटिकल से ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? जहां तक कोई डाउट, ये सारे पॉइंट ग्रुप 16 में भी आएंगे, सारे के सारे। मैंने इसीलिए नाम अगर यहां से ऊपर से मिटा दूं तो ग्रुप 16 में 6 के 6 कैरेक्टर एज इट इज है, मतलब ग्रुप 16 में वाटर, H2S, H2SE ये सारे आएंगे और क्वेश्चन बिल्कुल यही बनेंगे। जैसे अगर मैं ग्रुप 16 सोच के बताइएगा, बताइए ग्रुप 16 में मोस्ट एसिडिक हाइड्राइड कौन सा होगा? H2O, H2S, H2SE, H2TE, कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा? तो आप कहेंगे एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ते हैं, तो इसलिए सबसे नीचे H2TE मोस्ट एसिडिक या रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, ग्रुप 16 में बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? H2O, H2S, H2SE, तो बॉइलिंग पॉइंट H2O का सबसे ज्यादा है। क्लियर? ग्रुप 16 में मोस्ट वॉलेटाइल हाइड्राइड कौन सा होगा? मोस्ट वॉलेटाइल मतलब बेटा, वेरी गुड, H2S। वॉलेटाइल का मतलब होता है किसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, तो H2O का होना चाहिए, वो तो सबसे आगे पहुंच गया, तो सबसे पीछे कौन रह गया? H2S। तो ये हो गया हाइड्राइड, ग्रुप 15 में भी आने हैं, 16 में भी आने हैं, ऑब्वियसली 17 वाले में बस ये वाला पॉइंट नहीं आएगा बॉन्ड एंगल, क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन है, बाकी सारे पॉइंट 17 में भी। मिटा दो, डन। तो ये हो गया बच्चों हाइड्राइड। नेक्स्ट हेडिंग है हैलाइड। हैलाइड है और ऑक्साइड है ना, तो हर ग्रुप में ये आइड वाले दो तीन जो आएंगे, अगला हैलाइड। बच्चों इस ग्रुप में दो तरह के हैलाइड होंगे, कॉमनली हैलाइड EX3 और EX5। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताओ बेटा, इनमें से कौन सा ज्यादा कोवेलेंट होगा? Which halide is more covalent? तो ये आगे तक के लिए याद कर लीजिएगा कि
फजान रूल था, और फजान रूल में ये कहा गया था कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उतना कोवलेंट नेचर होता है, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द कोवलेंट नेचर। तो यहाँ पे प्लस थ्री है, यहाँ प्लस फाइव है, यहाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा कोवलेंट। तो ई एक्स थ्री इज लेस कोवलेंट, ई एक्स फाइव इज मोर कोवलेंट। और कोई कुछ कहे तो ब्रैकेट में लिख दो फजान रूल, ठीक है, फजान ने बताया है, ठीक है। सिंपल भाषा में आप सोच के देखिए कि भैया जब चार्जेस कम होते हैं तो उतने लॉस या गेन हो सकते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड बन सकता है। जब चार्जेस ज्यादा होते हैं तो इतने लॉस या गेन थोड़ी होते हैं, पांच पांच इलेक्ट्रॉन लूज या गेन थोड़ी हो रहे, तो उस समय शेयर ही होते हैं, इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर आया है। सेकेंड पॉइंट आता है इनकी शेप के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो यहाँ ई से एक लोन पेयर है और तीन बॉन्ड पेयर है, यहाँ ई के पास ऑब्वियसली पांचों पांचों बॉन्ड पेयर है। तो आई होप सो आपको याद आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, बेंड्स रूल भी पढ़ाया है, और सॉरी यहाँ पे एक्स लिखना चाहिए या सी एल लिखना चाहिए, आई होप सो याद आ गया हो। यहाँ में पहले वाले में तीन सिग्मा है, एक लोन पेयर है, इसका मतलब चार की हाइब्रिडाइजेशन sp3 और चार की शेप टेट्राहेड्रल होगी। बेटा इसमें पांचों के पांचों सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, पांच की हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एनसीईआरटी में प्रूफ भी दे रखा है तो याद रखना है कि इसमें ये वाले बॉन्ड एक्सियल है, ये वाले बॉन्ड इक्विटोरियल है, और एक्सियल बॉन्ड आर स्लाइटली मोर देन इक्विटोरियल बिकॉज एक्सियल बॉन्ड फील्स मोर रिपल्शन देन इक्विटोरियल। तो एक्सियल बॉन्ड थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि एक्सियल बॉन्ड में रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है इक्विटोरियल के मुकाबले। बताओ बेटा, बता बेटा हाइड्रोजन NF5 या NCl5 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? NCl5 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आप बोलो। सीधा आंसर है NCl5 से एग्जिस्ट ही नहीं करता। NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? नाइट्रोजन में डिसॉल्यूशन नहीं होती, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आएगा PCl5 में फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वेरी गुड, इसमें तो आंसर सिंपल है sp3d। अब बच्चों इसी का अगला क्वेश्चन ये है, ये रहा अगला क्वेश्चन जो मैंने थोड़ा और लेवल बढ़ा के बोल रहा है, ये है PCl3Br2, इसकी शेप बतानी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी, ज्योमेट्री बताइए। ज्योमेट्री मतलब होता है रिलेटिव कौन कहां लगा है। मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूं, एक ऑप्शन ये है, ये रहा P, ये रहे 3 Cl और ये रहे 2 ब्रोमीन। दूसरा ऑप्शन ये है, ये रहा P, ये रहे 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन यहां पे और बाकी 2 ब्रोमीन यहां पे। और तीसरा ऑप्शन ये है, ये रहा P, 1 Cl और 1 Br, ठीक है, बचा हुआ दूसरा Cl, तीसरा Cl और Br, और चौथा है NOT, none of these। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड, नहीं, आंसर सेकेंड, रीजन, फिर यहाँ एक रूल है, इसका नाम है बेंट रूल, ठीक है। तो बेंट रूल क्या कहता है, इन्होंने एक रूल बना के दे रखा है, इसमें ये कहा गया है कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और लोन पेयर, ये उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को आपको लगाना होगा एक्सियल पोजीशन पे और लोन पेयर को आपको लगाना होगा इक्विटोरियल पोजीशन पे।
तो लोन पेयर हमेशा कहां दिखाएंगे हम, इक्विटोरियल पोजीशन पे। क्यों? जब वो इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा तो वो दोनों एक्सियल को रिपेल करेगा, समझ में आ रहा है? तो इक्विटोरियल वाला एक्सियल को रिपेल करेगा दोनों एक्सियल को, और एक्सियल को दूर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना एक्सियल पे होगा, ठीक है, इसे डायरेक्टली याद कर लीजिए, इसको बहुत ज्यादा लॉजिक बनाने के, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है मोर एक्सियल इक्विटोरियल, ये थोड़ा सा हायर लेवल है ये आपके, ठीक है। बेंड रूल है नहीं क्योंकि बुक्स में, ठीक है। बी आई एफ थ्री कोवेलेंट है या आयनिक है? तो ऑब्वियसली कंपेयर करके ही तो क्वेश्चन होगा। तो हमारा कंपैरिजन सपोज दे दिया उन्होंने बी आई एफ थ्री के साथ, पिछला मेंबर ले लीजिए एस बी एफ थ्री, एस बी एफ थ्री से, मतलब ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं एंटीमनी का फ्लोराइड है और बिस्मथ का फ्लोराइड है, विच इज मोर, क्या यही तो गलत करते बेटा, कोवेलेंट ये बेटा, फजान सूल आपको इसका मतलब क्लियर नहीं है। फजान सूल में क्या कहा गया है, जो भी कैटाइन है वो जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोड छूट जाएगा, कंपाउंड आयनिक हो जाएगा, और अगर कैटाइन छोटा होगा तो शेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाएगा, शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट आएगा। यहाँ इसका तो कॉमन है फ्लोरीन ही एनाइन, एनाइन में तो कंफ्यूजन ही नहीं है। ब्रोम बिस्मत और एसबी में कौन बड़ा है, टॉप से बॉटम साइड बढ़ता है, ये बड़ा है, जो बड़ा है वो आयनिक है, जो छोटा है वो कोवेलेंट है, इज इट क्लियर? तो ये शॉर्टकट में याद रखिए, आयनिक बॉन्ड के लिए कैटाइन बनाने वाला एटम बड़ा होना चाहिए, एनाइन बनाने वाला एटम छोटा और चार्जेस कम, आयनिक बॉन्ड के लिए, और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिए, फिलहाल इनऑर्गेनिक में ये वाला पॉइंट आपको कई बार चाहिए होगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के लिए कैटाइन बड़ा, एनाइन छोटा, चार्जेस कम, और कोवेलेंट के लिए कैटाइन छोटा, एनाइन बड़ा, चार्जेस ज्यादा, इसे ध्यान रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा, आगे भी कई क्वेश्चन आएंगे उसमें। डन, ठीक है बच्चों, ठीक। याद रखना आसान है, आप भूल ना जाए, इसलिए अब मैं याद करने का तरीका बता दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। हमने सिर्फ एक कैटाइन पर फोकस करना है, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए, आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है तो दो उल्टे आयन्स के बीच में बनता है, एक कैटाइन, उल्टे आयन्स है ना, तो उल्टे आयन्स का मतलब एक को इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, एक को लेना है, एकदम उल्टे काम, क्लियर है? तो एक बड़ा है तो दूसरा, समझ में आ गया ना? तो उल्टे काम होने के लिए कैटाइन तो बड़ा ही होना चाहिए, क्यों? जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो तभी छोड़ पाएगा जब उसका साइज बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस तो बड़े साइज वाला ही करेगा, तो गेन करने वाला साइज छोटा है। और चार्जेस जरा सोच के देख लीजिए, अगर चार्जेस बढ़ेंगे, प्लस चार्ज बढ़ेगा तो कैटाइन छोटा हो जाता है, माइनस चार्ज बढ़ेगा तो एनाइन बड़ा हो जाता है, यानी यहां के लिए उल्टा काम हो गया ना, हमें कैटाइन क्या चाहिए था, बड़ा, प्लस चार्ज बढ़े तो वो तो छोटा हो गया, उल्टा हो गया, हमें एनाइन छोटा चाहिए और चार्ज बढ़ते ही एनाइन बढ़ गया, ये भी उल्टा हो गया, तो इसलिए चार्जेस हमें नहीं चाहिए या कम चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड तब जल्दी बनता है जब कैटाइन बड़ा हो, एनाइन छोटा हो, और एनाइन जैसे साइज मतलब चार्जेस है वो, और कोवेलेंट इससे उल्टा होता है, इज इट क्लियर? कोवेलेंट इससे उल्टा है, मतलब कोवेलेंट के लिए कैटाइन छोटा हो, एनाइन बड़ा हो और चार्जेस ज्यादा हो, कोई डाउट? नेक्स्ट, चलो बच्चों, अगला है इस ग्रुप में हैलाइड के बाद ऑक्साइड।
तो इस ग्रुप में जनरली ऑक्साइड दो तरह के बनेंगे बच्चों, कौन कौन से दो तरह के आएंगे ऑक्साइड, E2O3 एंड E2O5। जनरली इस ग्रुप के ऑक्साइड दो तरह के हैं, एक ट्राइऑक्साइड और एक पेंटाऑक्साइड। तो E2O3 ट्राइऑक्साइड हो गया इसका और E2O5 इसका पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन थोड़ा अलग ही है, वो और भी ऑक्साइड शो करता है, नाइट्रोजन NO भी करता है, N2O भी करता है, NO2 भी करता है, तो नाइट्रोजन के अलग है। पहले हम जनरल पढ़ रहे हैं, बेटा इसमें से कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है, विच इज मोर एसिडिक। तो याद रखिएगा, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द एसिडिक कैरेक्टर। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, सोच के देखो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो आयनिक, मतलब ऑर्गेनिक से अगर रिलेट करके मैं आपको कहूं तो जितनी ऑक्सीडेशन ज्यादा है तो उतना माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाता है इंडक्टिव, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया तो एसिडिक बढ़ गया। वैसे सोच लीजिए, कैसे भी सोचिए, इसको पानी में घोलेंगे तो नाइट्रस एसिड मिलेगा, इसे घोलेंगे तो नाइट्रिक एसिड मिलेगा, तो जिससे नाइट्रिक मिलेगा वो ज्यादा ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिए दोनों ही एसिडिक हैं, लेकिन ये ज्यादा एसिडिक है दूसरे से। ठीक है, ऑक्साइड में और कोई खास पॉइंट नहीं है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर मैंने बता ही दिया है। दूसरा ये पॉइंट है कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जैसे N2O5 या N2O3 और नीचे बिस्मथ का ऑक्साइड Di2O3, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है। तो बच्चे कॉमन सेंस की बात है, टॉप से बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जितना मेटेलिक होगा उतना बेसिक होगा, मेटल बेस बनाते हैं उतना बेसिक है, और जितना नॉन मेटल होगा उतना एसिडिक। तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो ऊपर एसिडिक, फॉस्फोरस का भी एसिडिक, नीचे एंटीमनी या आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड है, मेटलॉइड के लिए एम्फोटेरिक, और सबसे नीचे बिस्मथ प्योर मेटल है बेसिक। तो ऑक्साइड में एक तो ये दो टाइप के होगा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये ज्यादा एसिडिक है इससे, और तीसरा पॉइंट कि अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में टॉप से बॉटम की बात करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कम। बोलो बच्चों क्लियर है? चलिए बेटा आज इतना ही रखते हैं, अब आपको कल से हम मेंबर्स स्टार्ट करेंगे, एक एक करके मेंबर्स जो आएंगे। ठीक है, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।